भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। आखिरी वनडे में भारत ने मेहमान टीम को 96 रन से हराकर पहली बार उनके खिलाफ क्लीन स्वीप किया है। आज के मुकाबले में भारत के जीत के हीरो रहे 80 रनों की पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर, उनके अलावा दीपक चहर ने पहले बल्ले से 38 रन बनाए, उसके बाद 2 विकेट भी अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। इस मुकाबले के दरमियान जहां टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करी और उसके बाद बॉलिंग, और बॉलिंग के दरमियान जहां टीम इंडिया की जीत साफ तौर पर दिख रही थी, गेंदबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी और उस वक्त भारतीय गेंदबाजों को लेकर और मैदान पर रोहित शर्मा का एक ऐसा ड्रामा देखने को मिला जिसे देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह गया। रोहित शर्मा आखिर इतने ज्यादा गुस्सा आए क्यों हुए इस बॉलर पर, यहां तक कि उसे गेंद न डलवाने की धमकी भी दे डाली। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में रोहित शर्मा के इस गुस्सेल रूप के बारे में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं रोहित के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। क्या रोहित शर्मा के उस गुस्सेल रूप के बारे में जानने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, विराट कोहली ने मैदान पर ऐसा क्या कर दिया कि हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन उससे पहले बता दें कि टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर एक बहुत बड़ा इतिहास अपने नाम किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 265 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 265 रन बनाए, विंडीज के सामने रख दिया 266 रन का लक्ष्य। इसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम महज 169 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत ने इस मैच को 96 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत ने विंडीज का सुपड़ा साफ करते हुए सीरीज पर 3-0 से अपना नाम कर लिया है और दोनों टीमों के बीच अब 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है और जिसकी शुरुआत 16 फरवरी से होंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि टीम इंडिया ने यहां पर एक बहुत बड़ा इतिहास अपने नाम किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहली वनडे सीरीज 1983 में खेली गई थी। तब से अब तक दोनों टीमों के बीच 21 वनडे सीरीज खेली गई है। इससे पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ 3 बार क्लीन स्वीप भी कर चुकी है। ऐसे में 39 साल बाद रोहित शर्मा ने इंतजार खत्म किया और भारत ने कैरेबियन टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन 39 साल बाद रोहित शर्मा ने ऐसा कारनामा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैदान पर रोहित का ऐसा गुस्सेल रूप देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आखिर विराट कोहली ने मैदान पर ऐसा क्या कर दिया कि ये क्लिप जोरदार वायरल हो रही है। मैदान पर विराट कोहली का पिछले कुछ मुकाबलों से अजीबोगरीब रूप देखने को मिलते हैं, जहां कैच लेने के बाद वो एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से डांस करने लगते हैं। लेकिन इस मुकाबले में, यानी आखिरी मुकाबले में, तो विराट कोहली ने एक ऐसा रूप सबको दिखा दिया है जो हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, विराट कोहली आखिरी वनडे मुकाबले में रैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, गाना गुनगुनाते हुए, और रैप आखिर कौन सा है उस बारे में क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर टॉपिक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें विराट कोहली मैदान पर चिल नजर आ रहे हैं, रैप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आइए जानते हैं इस दरमियान आखिर रोहित का गुस्सेल रूप क्यों देखने को मिला। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी रोहित खिलाड़ियों पर नकेल कसते हुए दिखे। इस बार हिटमैन की डांट का सामना उस खिलाड़ी ने किया है जिस पर हिटमैन ने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। दरमियान रोहित शर्मा का ये वीडियो इस दरमियान रोहित शर्मा की ये बात बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कुलदीप की क्लास लेते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुलदीप एक सीधी और तेज गेंद डालते हैं जिस पर बल्लेबाज सीधा लॉन्ग ऑफ की शॉट मारता है। ये गेंद देखकर रोहित कुलदीप से कहते हैं, अगर ऐसे ही डालना है तो मैं नहीं डलवाऊंगा तेरे से, तू फास्ट बॉल क्यों डाल रहा है, तू फास्ट बॉलर नहीं है, तू स्पिन बॉलर है और स्पिन ही डाल। यहाँ पर रोहित शर्मा कुलदीप यादव से जबरदस्त डांट लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले रोहित शर्मा दूसरे वनडे में युजवेंद्र चहल की भी क्लास लगा चुके हैं, क्योंकि चहल पिछले मैच में फील्डिंग में सुस्त दिखे थे और यही कारण था कि उन्हें रोहित के गुस्सा का सामना करना पड़ा था।